बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ऐड मिक्स नंबर्स। बिफोर दिस वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू ऐड लाइक फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स एंड द अनलाइक फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। बेटे आपने इसमें याद क्या रखना होता है कि अगर आपको वंस यू नो हाउ टू सॉल्व द लाइक फ्रैक्शंस, तो बाकी सिर्फ कुछ स्टेप्स रह जाते हैं जिनको आपने फॉलो करना है। आगे जब आपका फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन बन जाता है तो सारे टॉपिक, सारा मैथड सेम रहता है। तो देखते हैं कि हमने आज मिक्स नंबर क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि व्हाट आर मिक्स नंबर्स, मिक्स नंबर किसे कहा जाता है, मिक्स नंबर क्या होते हैं। तो बेटे मिक्स नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिसमें एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अ मिक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स नंबर। ठीक है, वो ऐसा नंबर जिसमें एक अदद होल नंबर हो और एक अदद प्रॉपर फ्रैक्शन हो, वो आपका कहलाता है मिक्स नंबर। इसमें बेटे आपके सामने जो स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है उसमें 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज 5 1/3, देन 11 7/9, 23 1/2। बेटे ऐसे नंबर्स जिसमें एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो, मोस्टली एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वो कहलाता है आपका मिक्स नंबर। अब हम आ जाते हैं कि हाउ टू ऐड अ मिक्स नंबर, मिक्स नंबर्स को किस तरह ऐड किया जाता है। तो बेटे उसको करने के लिए बिल्कुल सेम बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने टू ऐड मिक्स नंबर, फर्स्ट वी कन्वर्ट अ मिक्स नंबर इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना है। जब आप उसको एक बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे, आपके पास 2 फ्रैक्शंस आ जाएंगे। फिर आपने ये जज करना है कि या क्या वो लाइक फ्रैक्शंस है, यानी कि उनके डिनोमिनेटर सेम है, या अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो आपने एलसीएम लेना है और उसके डिनोमिनेटर सेम करके आपने न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। फिर आपके पास रह जाती है सिंप्लीफिकेशन और आप आंसर दे देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन है तो वो आपके पास सारा मसला ही हल हो गया। एक बार आपने इम्प्रॉपर किया, फिर जो सेम डिनोमिनेटर्स हैं उनको कॉमन लिया और उनके न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। जब आप किसी नंबर को मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरेटर आपका प्रिसाइजली बड़ा होता है, तो आपको फिर सिंप्लीफाइड करना है। चाहे आप उसको टेबल से कटिंग कर दीजिए या आप उसको डायरेक्ट डिवाइड करके QRD में एक्सप्रेस कर दीजिए। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। Now in this particular question there are 2 mixed numbers. First one is 3 1/4 and the other one is 4 whole number 1/2. अब आपने इनको सॉल्व करना है। तो बेटे सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये आपके पास दोनों मिक्स नंबर्स हैं। मिक्स नंबर क्या होते हैं, जिसमें एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहाँ पर आपके पास होल नंबर्स कौन कौन से हैं, 3 and 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट एवरी सिंगल मिक्स नंबर इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने हर मिक्स नंबर को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हाउ, बाय मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर एंड द होल नंबर एंड एडिंग देयर प्रोडक्ट टू द न्यूमरेटर। आपने डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके आंसर में न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 4/3, 4 3 इज़ 12 और न्यूमरेटर में है 1, तो 12 + 1। उसके बाद आप नेक्स्ट फ्रैक्शन पे आ जाइए, 2 4 इज़ 8 एंड 8 + 1। आप जब फर्स्ट को करेंगे, एस 4 × 3 = 12 एंड देन 12 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर 1 एंड द डिनोमिनेटर रिमेंस सेम, आपका 4 as it is रहेगा। दूसरे में भी आपने यही करना है।
8 में आपने 1 ऐड कर देना है। अच्छा बेटे, अब जब आपके पास ये आ गया है तो फिर आपको आफ्टर एडिंग द न्यूमरेटर्स जो आपके पास न्यू फ्रैक्शन बनेगा, दैट इज द फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी 13/4 एंड द नेक्स्ट फ्रैक्शन 8+1 विल बिकम 9/2। ठीक है, अब जब आपके पास ये आंसर आ गया है 13/4 + 9/2, ये दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटे। अब आपने गौर करना है कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। ये है अनलाइक फ्रैक्शन, तो इसको लाइक फ्रैक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, जो कि आपके पास डिनोमिनेटर्स है बेटे, आप उनका एलसीएम लेंगे बाय प्राइम नंबर्स। 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। एज ए एलसीएम इज 4, वी हैव टू चेंज द सेकंड फ्रैक्शन ओनली। अब आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी अपने टॉपिक में किया था कि जब हमारे पास एलसीएम आ जाता है तो हम चेक करते हैं कि हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को चेंज करना है या सेकेंड फ्रैक्शन को चेंज करना है। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन इज 13/4, देयर इज नो नीड टू चेंज मेक एनी चेंजेस विद द डिनोमिनेटर 4, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट फ्रैक्शन दैट इज 9/2। 9/2 में जो डिनोमिनेटर है वो 2 है और आपने इसको 4 बनाना है। तो आप 2 को 4 कैसे बनाएंगे बेटे, यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 by 2, एंड व्हेन वी डू एनीथिंग विद द डिनोमिनेटर वी हैव टू रिपीट इट इन द न्यूमरेटर। तो बेटे आप इसको किस तरह लिख सकते हैं कि 13/4 एज इट इज़ आ जाएगा एंड वी विल मल्टीप्लाई बोथ 9 और 2 by 2 टू मेक द डिनोमिनेटर 2 × 4। जब आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसका फ्रैक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह से कि फर्स्ट फ्रैक्शन विल रिमेन सेम 13/4 एंड द अदर विल बिकम 18/4। अब आप देख सकते हैं आपके सामने दोनों लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो चुके हैं। आपने सेकंड फ्रैक्शन पर वर्किंग की, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आपके पास जो आंसर आ गया है वो है 13/4 + 18/4। ये आपकी लाइक फ्रैक्शंस है, इसमें आपने सिर्फ ये करना है 4 को एज अ कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेना है और उनके न्यूमरेटर्स यानी कि 13 और 18 को ऐड कर देना है। सिंपली राइट 4 एज अ कॉमन डिनोमिनेटर एंड ऐड बोथ न्यूमरेटर्स। इसमें बोथ न्यूमरेटर्स कौन से बेटे, फर्स्ट न्यूमरेटर इज 13 एंड द अदर न्यूमरेटर इज 18, सो यू हैव टू ऐड बोथ 13 और 18। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31/4। अब जो बेटे आपके पास 31/4 आया है तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एज यू कैन क्लियरली सी दैट द न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर एंड व्हेन वी आंसर इन फ्रैक्शन इट मस्ट बी इन लोएस्ट टर्म। सो व्हाट विल वी डू, इसकी सिंप्लीफिकेशन तो होती नहीं है, इसकी कटिंग नहीं होती किसी भी टेबल्स में, कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें 31 भी आता हो 4 भी आता हो। तो वी विल सिंपली डिवाइड एंड एक्सप्रेस द आंसर इन टू ए मिक्स नंबर। इसको आप सिंपली डिवाइड करेंगे और इसका आंसर आप मिक्स नंबर में देंगे, डैट इज़ QRD। तो इसका डिवाइड करने का तरीका क्या है कि 4 आपका डिनोमिनेटर है बेटे, 4 आएगा डिवीजन हाउस के बाहर, 31 इज़ द न्यूमरेटर, वो लिखा जाएगा डिवीजन हाउस के अंदर। और जब आपने इसको डिवाइड किया तो 4 × 7 × 28, 28 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 31, रिमाइंडर इज 3। तो Q तो बेटे आपका होल नंबर हो गया, डैट इज़ 7, और जो रिमाइंडर है वो आपका न्यूमरेटर है, डैट इज़ 3, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहा यानी कि 4। अब बेटे जो आपका ये मिक्स नंबर में आंसर आया डेट इज़ 7 होल नंबर 3/4, इट इज़ इन इट्स लोएस्ट टर्म एंड देन इट इज़ कॉल्ड द फाइनल आंसर। अब आपका क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, उसका हर स्टेप जो है वो क्लियर हो चुका होगा आपको, और आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। पहले हमने जो अनलाइक फ्रैक्शन किया था, लाइक फ्रैक्शन किया था, उन सब मरहलों से गुजरना है। अब बेटे हम आपकी एक बुक में से क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 बोथ मिक्स नंबर्स आर लाइक फ्रैक्शन, दे हैव सेम डिनोमिनेटर्स। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराई है वो अनलाइक फ्रैक्शन थे। बुक में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे वो लाइक फ्रैक्शन है, तो व्हाट विल यू डू, सिंपली फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर। 3 × 2 = 6 + 1 = 7/3 + 3 × 3 = 9, 9 + 2
इलेवन बाय थ्री। अब आपके पास दोनों डिनोमिनेटर लाइक हैं, सेम हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, थ्री को कॉमन ले लेंगे एंड देन यू विल ऐड सेवन प्लस इलेवन। व्हेन सेवन एंड इलेवन को ऐड किया जाएगा आपके पास आ जाएगा एटीन बाय थ्री। एटीन बाय थ्री में बेटे आप देख सकते हैं कि इसकी ईजिली कटिंग हो रही है थ्री के टेबल से। आपके पास आंसर आ जाएगा सिक्स बाय वन। एंड यू नो व्हेन देयर इज़ वन इन द डिनोमिनेटर ओनली द न्यूमरेटर इज़ योर आंसर। सिक्स बाय वन में वन आपका डिनोमिनेटर है तो उसको आप इग्नोर कर देंगे, न्यूमरेटर में सिक्स है तो होल नंबर सिक्स आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपके लाइक टर्म्स है वो तो और भी ईजी हो जाएगा। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर केस, ऐसा केस जिसमें आपके पास दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो अनलाइक हो और दोनों फ्रैक्शंस में आपने वर्किंग करनी हो। जैसे कि आपके सामने बुक का एक क्वेश्चन गिवन है, इन क्वेश्चन नंबर फाइव द फ्रैक्शंस आर अनलाइक, ठीक है, दोनों फ्रैक्शंस आपके अनलाइक हैं और दोनों पर वर्किंग होगी। कैसे इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कन्वर्ट द मिक्स नंबर इंटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने थ्री को फोर से मल्टीप्लाई किया, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन बाई थ्री। नेक्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व किया, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन बाई फाइव। ये दोनों आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने देखना है कि ये दोनों लाइक है या अनलाइक। ये दोनों अनलाइक है, आपने इसका एलसीएम लिया विद प्राइम नंबर्स, तो इनका बेटे एलसीएम आपके पास आ जाएगा फिफ्टीन। इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 15। और जब आपके पास 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा तो आपने करना क्या है बेटे, आपने 3 को भी 15 बनाना है और आपने 5 को भी 15 बनाना है। 3 को 15 बनाने के लिए आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से एंड कॉपी पेस्ट जो आपने डिनोमिनेटर में किया है सेम एज इट इज़ आप न्यूमरेटर भी करेंगे। सो 13 इज़ मल्टीप्लाई बाई 5 एज वेल एज 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 13 फाइव सा 65, 3 फाइव सा 15, तो आपके पास आ गया 65 बाई 15। इसी तरह आप नेक्स्ट को सॉल्व कर लेंगे। 5 को 15 कैसे बना जाएगा, 5 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3। जब आप डिनोमिनेटर में करेंगे आप उसको न्यूमरेटर में करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 16 थ्री ज़ा 48 एंड 5 थ्री ज़ा 15। अब आपके पास जो दो फ्रैक्शंस आए हैं वो है 65 बाई 15 एंड 48 बाई 15। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं, तो आपने दोनों 15 को एक बार कॉमन लिख लिया डिनोमिनेटर और फिर आपने 65 में 48 को ऐड कर देना, सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स। आंसर आ गया 113 बाय 15। इसकी कटिंग नहीं होती बेटे, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको डिवाइड कर देना है और आंसर एक्सप्रेस करना है इन मिक्स नंबर्स। आपके पास आंसर आ जाएगा 7 होल नंबर 8 बाय 15। बेटे इसकी वर्किंग मैंने पिक्चर में कैप्चर नहीं की है, आपने इसकी रफ वर्किंग ज़रूर करनी है जिसमें एलसीएम भी होगा और डिवीजन भी आप शो करेंगे। इसी तरह आपके जो बुक के लास्ट क्वेश्चन है 13 और 14 वो बुक में ही सॉल्व किए हुए हैं बेटे। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास है होल नंबर्स, मिक्स नंबर्स जिसमें कि होल नंबर काफ़ी बड़ी वैल्यू है, 32 है, 51 है, 11 है और 60 है। इसको सॉल्व करने का बेटे वही तरीका है, पहले आपने तमाम मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर बनाना है और बेटे इसको दो स्टेप्स में करना है। पहले आपने, क्योंकि आपके पास होल नंबर एक बड़ी वैल्यू है, तो आपने डिनोमिनेटर को पहले होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड प्लस न्यूमरेटर लिखना है, ठीक है। आपने उस किया, उसको सॉल्व किया, फिर आप एलसीएम लेंगे क्योंकि ये अनलाइक है और दोनों में वर्किंग हो रही है बेटे। आपकी बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप और पढ़ना है और बुक बंद करके ख़ुद सॉल्व करना है। तो आज का आपका असाइनमेंट ये है कि यू हैव टू अटेम्प्ट एक्सरसाइज वन, क्वेश्चन नंबर वन से लेकर 14 तक, जो आपके पेज नंबर 47 और 51 पे गिवन है। 47 से 51 पे आपके मिक्स नंबर्स की एडिशन गिवन है। आप लोगों ने इसको बुक में नहीं करना है, नो, आपने इसको लूज शीट्स पे करना है और साथ आपने एलसीएम ज़रूर लेना है, सारी वर्किंग शो करनी है और बेटे आपने जब मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवीजन भी शो करनी है, ठीक है। ये वो पॉइंट्स है जो आपने लास्ट में फॉलो करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। मेथड सारा वही है,
आपने बेसिकली उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और लाइक फ्रैक्शन में एक बार जब आपकी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर आप उसको सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक स्टेप है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, फिर आपके पास अनलाइक और आज के टॉपिक का मिक्स नंबर्स। जैसे जैसे आपकी लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन की प्रैक्टिस होती जाएगी, अनलाइक की होती जाएगी बेटे, आपको मिक्स नंबर बिल्कुल भी मुश्किल लगेगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे और आप लोग को जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस दुआ के साथ आज के टॉपिक को वाइंड अप करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द सारे हालात को अच्छे हालात में बदल दे और हमारे स्कूल की रौनक को बहाल कर दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।